जहां एक तरफ मालदीव छोटा सा मुस्लिम देश होकर भी भारत से भिड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि वह चीन को भी टक्कर देने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के कारण भारत की इकोनॉमी काफी तेजी के साथ बूस्ट करना शुरू कर चुकी है और इस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सफलतापूर्वक हो गई है और अब इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। यहां तक कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के कारण अयोध्या का एक्सपोर्ट मार्केट काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपको बता दें कि बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट में 150% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें कोयला, कई प्रकार के पेपर्स और आयुर्वेदिक दवाएं शामिल हैं। वैसे देखा जाए तो इन सब के एक्सपोर्ट में तभी से बढ़ोतरी देखी गई जब राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन इस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और यह आम जनता के लिए भी चालू कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वह अन्य मंदिरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। यानी कि कुल मिलाकर राम मंदिर के कारण अयोध्या में एक बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने वाले हैं और इन टूरिस्ट को जो VIP सुविधा देने के लिए व्यवस्था बनाई गई है उससे भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और जिस तेजी के साथ भारत की इकोनॉमी बढ़ना शुरू हुई है उसे चीन भी जल्द ही पीछे हटने वाला है और मालदीव, जो कि छोटा सा देश होकर भी भारत के बजाय चीन के साथ हाथ मिला लिया है, अब मालदीव को चीन से लेने की बजाय देने पड़ सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की इकोनॉमी जिस तरह से चीन को टक्कर देने वाली है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असल में हुआ यह है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के कारण अयोध्या के एक्सपोर्ट मार्केट में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन इस साल यानी कि 2024 में यह और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसी बीच मालदीव को इस बात की चिंता सता रही है कि चीन उसकी मदद करेगा भी या नहीं, क्योंकि अब मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर उसकी गलती का एहसास हो रहा है। मालदीव यह सोच रहा था कि चीन के साथ हाथ मिलाकर भारत से दुश्मनी कर लेगा तो चीन उसकी हमेशा मदद करता रहेगा, लेकिन मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर जो गलती करी है उसका अंजाम अब खुद ही भुगतने वाला है। यहां तक कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाला आलू रोक दिया गया है और चीन मालदीव की मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको भारत मालदीव में सेटअप करने की तैयारी बना रहा था, लेकिन उसको भी दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी तो भारत ने मालदीव के खिलाफ पहला कदम बढ़ाया है। अगर भारत पूरी तरह से मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाले फूड प्रोडक्ट रोक देता है तो मालदीव के खाने के लाले पड़ सकते हैं। जहां एक तरफ भारत लक्षद्वीप को अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बनाने के लिए भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें इजरायल ने भी वाटर रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो केवल टूरिस्ट इंडस्ट्री से ही भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। और चीन भले ही एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन फिर भी जल्द ही भारत से पीछे हटने वाला है। बीते एक साल में विभिन्न क्षेत्रों में केवल अयोध्या से 254 करोड़ रुपए की वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि इससे पहले साल 2022 में अयोध्या से 110 करोड़ रुपए का ही एक्सपोर्ट हुआ है। यही नहीं, इसके अलावा इस मंदिर को बनाने में L&T और हैवेल्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने काम किया है, जिसके कारण इसकी डिजाइनिंग काफी एडवांस और यूनिक है, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन की गई है, यह राम मंदिर लगभग 1000 साल तक यूं ही बनी रहेगी। और इन्हीं सब के कारण इस साल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी के साथ बढ़ने वाली है। इसीलिए मालदीव को भी चीन से हाथ मिलाने और भारत से दुश्मनी करने का एहसास होने लगा है।
बाकी आपको क्या लगता है कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है वह चीन को टक्कर दे पाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भारत की इकोनॉमी में राम मंदिर का एक बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। जय श्री राम।